ये है लगभग 225 साल पुराना मंदिर है, राजा डूंगर सिंह द्वारा निर्मित है और फिर इनका जीर्णोद्वार हुआ है, ये इनका शिलालेख है। मंदिर में भगवान शिव भूरे कलर के हैं और इनके अंदर हार्ट की आकृति बन रही है नीचे। तो यहां पे घी से अभिषेक करने से हार्ट पेशेंट को बड़ा रिलीफ मिलता है या घी की मालिश करने से। और इनके पीछे जो मूर्ति है वो माँ भगवती महामाया ललिता कुमारी की है विष्णु स्वरूप में। उनकी भी पूजा करने से, हर अमावस्या को पूजा होती है उनकी, और उनकी पूजा में कोई भी बड़ा लेडीज जेंट्स जिसकी शादी या सगाई ना हो रही हो तो उसमें वो विशेष कृपा होती है माँ भगवती। इन मंदिरों में गणेश और कार्तिक नहीं होते हैं क्योंकि जो शिवालय अगर शमशान परिधि के अंतर्गत है उसमें गणेश और कार्तिक नहीं होते, ये शमशान परिधि के अंतर्गत के मंदिर है सारे राजाओं के। ये माँ भगवती खड़ी है ऊपर, किसी भी लेडीज उसके पति देव की स्थिति उनके पैरों में नहीं होती, या तो उनसे ऊपर होती है या उन बराबर में होती है, तो ये इसलिए वो ऊपर खड़े हैं, उसके बराबर में 24 शिवलिंग लगाए हैं, 12 इधर 12 राइट में 12 लेफ्ट में। यहाँ ज्यादातर अपने एक तो शिवरात्रि और श्रावण में विशेष सोमवार और शनिवार का महत्व रहता है। किसी भी घर में कोई भी बड़ा लेडी जेंट्स जब तक 40 साल का हो जाए वहाँ तक की तो गारंटी है, उसके बाद कुछ नहीं कह सकते, तो फिर वो भगवान शिव की कृपा होती है या माँ भगवती की कृपा होती है तभी वो जोड़े से जुड़ पाते हैं, ये विशेष क्वालिटी इनकी। और हार्ट पेशेंट यानी अपने पूरे भारत में कहीं पर भी अगर कोई हार्ट पेशेंट है और उसको दवाइयाँ नहीं लेनी है या दवाइयाँ लेते उनके साथ आराधना करनी है तो इनके ऊपर घी लगाएं, विशेष महत्व है ये भी। ये आकृति बनी हुई नीचे, ये हार्ट की आकृति है, हृदय की। हृदय में कोई भी अगर क्लॉट है या कोई भी उसमें अलग अलग तरह की बीमारियां काफी हो रही है इस बार और चल भी रही है, तो उसके हिसाब से घी से ही मतलब मालिश करने से एक तो शारीरिक कष्ट जाता है और उससे ऊष्मा जो शरीर की है वो एकदम सही लेवल पे रहती है। महाकाली का मंदिर है, इसी मंदिर के अंतर्गत आता है महाकाली। ये हो गया महाकालेश्वर के हिसाब से, यानी शिव को महाकालेश्वर बनाया गया है।
और वो है महाकाली का। जैसे महाकालेश्वर में ना अपने माँ भगवती चामुंडा का है। तो वही उसी के पर्पज से ये उधर महाकाली की मूर्ति लगा रखी है। उत्तरादमुखी है, बैठी मूर्ति है। नहीं तो हर जगह खड़ी मिलती है। आप कहीं पे चले जाओ, जीभ बाहर होती है, खड़ी मिलती है, उग्र होती है। ये सौम्य रूप में, इसमें भी आपकी विशेष मूर्ति में मान्यता ये है कि किसी भी शनिवार को 7 फल, 1 गीला नारियल और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा कभी भी आप लाके चढ़ा सकते हैं। और आपकी मनोकामना 7 में 4 शनिवार के अंतर्गत ये कंप्लीट हो जाती है जो भी जातक है उसके लिए।